ये घर हिना, हरीम और मुनीब का है, इसी तरह कारोबार भी इन तीनों का ही है। जब तक मुनीब जवान नहीं हो जाता, मैं चाहती हूँ कि आप या हारिस इस जायदाद की तकसीम का मुतालबा नहीं करेंगे। मैंने उसे माफ कर दिया, तुम भी कर दो। खातून, आप जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा। आप उसे पहले गुनाह पर माफ करती हैं और फिर वो उससे भी बड़े गुनाह करती है। मैं कौन होती हूँ किसी के गुनाहों की माफी देने वाली। एक बात ईमानदारी से बताना, अगर तुम्हारी तरह मेरी भी पहले से शादी हुई होती तो तुम किस तरह पेश आते मुझसे? हरीम, एक ही गलती पे कितनी बार शर्मिंदा करोगी मुझे? हारिस, मैंने तुम्हें शर्मिंदा ही तो नहीं किया। तुम खुद सोच कर बताओ, मैंने तुम्हें कब शर्मिंदा किया था? कल तुम्हारी बहन की शादी थी ना? निका था। एक ही बात है, तुम गई क्यों नहीं? तुम्हें जाना चाहिए। उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। और अगर बुलाते? हरगिज ना जाती। इतनी नफरत करती हो अपनी बहन से? नफरत अपनी बहन से नहीं, खालदा खातून से करती। उस दिन जो क्लैश हुआ उसकी वजह से? जिस दिन मेरे अबू और चाचू की डेथ हुई थी ना, उस दिन मुझे खालदा खातून से नफरत हो गई थी। नफरत की वजह? सरदार साहब, छोड़े ना ये बातें। तुम्हारे मूड को देखते हुए ये बात छोड़ी देनी चाहिए। वैसे खालदा को लोग खातून खातून क्यों कहते हैं? मुझे क्या पता, ये बात आपको पूछ रहे हैं। कौन सी बात? खातून वाली। एसएचओ बाबा के पास आया था, वो बार बार खातून कह रहा था। एसएचओ क्यों खातून का जिक्र कर रहा था? वो बाबा से मिलना चाहती है। खातून को बड़े सरदार से क्या काम है? पता नहीं, बाबा ने कल का टाइम दिया है। बड़े अच्छे लफ्जों में आपका जिक्र सुना है। सारा इलाका आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है। शुक्रिया सरदार साहब। बताएं, क्या खिदमत करूं आपकी? सरदार साहब, हिना मेरी बच्ची है। कुछ अरसे से आपके बेटे के साथ एक बंगले में रह रही है। जी, मेरे इल्म में है ये बात। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं उनके ताल्लुक को शरई और कानूनी रुतबा मिल जाए। खातून, आप एक जमाना शनास और समझदार खातून हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने कमारे बेटे की शादी एक ऐसी औरत से कर दूं जिसने अपनी पहली शादी घर से भाग कर की थी? मगर रह तो वो आप ही के घर में रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो अपनी मर्जी से रह रही है, हमने उसे कैद करके नहीं रखा।
कैद कर कर तो नहीं रखा, मगर वो आजाद भी तो नहीं है। बजा फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया। अब आप खुद ही बताइए कि हम आपकी बच्ची को कैसे रिहाई दिलवाएं दौलत की कैद से। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम तो अवाम के खादिम हैं। वैसे मैं परसों 1-1.5 माह के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं, वापस आकर आपका यह मसला हल कर देता हूं। शुक्रिया। कल मेरे पास खातून आई थी। जी, SHO ने मेरे सामने ही आपसे टाइम लिया था। सरदार साहब, वो आपके पास क्या लेने आई थी? वो तुम दोनों के बारे में बात करने आई थी। दोनों के बारे में कैसी बात? असल में खातून चाहती है कि हम तुम्हें उस बंगले से निकाल दें। तो मैंने उससे कहा कि भाई हम कौन होते हैं उसे उस बंगले से निकालने वाले, वो तो उस बंगले की मालकिन है। बाबा, मैंने तो उसके बारे में सुना था कि काफी अच्छी खातून है। भाई वो खातून अच्छी है या बुरी उसके बारे में तो हिना बताएगी। उसकी अच्छाई का तो आप दोनों को वैसे पता चल जाएगा। भाई मैं तो कल 5-6 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं, पर उम्मीद करता हूं कि मेरे वापस आने तक तुम लोग शादी के बारे में कोई फैसला कर लोगे। जरूर बाबा। अरे भाई हिना बेटा, मेरी गैर मौजूदगी में इस नालायक को जमीनों पर भेजती रहना। जी सरदार साहब। अरे अब तुम मुझे सरदार साहब मत कहा करो, इस नालायक की तरह बात किया करो, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। लो। अबे उसको कुछ कबाब वगैरह दो ना। जी मैंने। भाई मैं तो कल 5-6 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वापस आने तक तुम लोग शादी के बारे में कोई फैसला कर लोगे। बाबा तो इन्हें शादी के हक पर नहीं थे, फिर एकदम उन्होंने यू टर्न कैसे लिया? शादी करने का मेरा इरादा तो कोई नहीं था, अब सरदार खुद ही बोल रहे हैं तो इस बारे में सोचा जा सकता है। कहीं ये बाबा की नई सियासी चाल तो नहीं? नहीं नहीं, अगर ये सियासी चाल होती तो पापा मुझे एतमाद में जरूर लेते। सोच क्या रही हो, फौरन से हाँ बोल दो। इस शादी में तुम्हारा फायदा ही फायदा है। जैसे जैसे हिना के साथ मेरा वक्त गुजर रहा है, ये मेरे दिल से उतरती जा रही है। शादी में फायदा ही फायदा है। जब पूरी तरह से उतर जाएगी दिल से तो तलाक दे देना।
हिना शाह, तलाक तक जितना माल समेट सकती हो समेट लो। इस घर से तो मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकती। हमने आपको कारोबार में से हिस्सा दिया था और घर में से भी दे देंगे। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही है। मैं तुम सबको इस घर से बेदखल करके रहूं। आप करने क्या जा रही हैं? अदालत से रुजू। तुम्हें क्या लगता है इस मसले का क्या हल है? हल तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये मसला खुद हल करना चाहता हूँ। अच्छा, तो कैसे हल करोगे ये मसला? हिना आप ही से बात करके। हिना तुम्हारी बात मान जाएगी? कोशिश करने में क्या हर्ज है खातून। दिलावर, कभी शौकत की तरह मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करना। सरदार साहब, मैं तो आपके बराबर खड़ा होने के काबिल भी नहीं। तुम अपनी काबिलियत साबित कर चुके हो। इस बार भी पूरी कोशिश करूंगा सरदार साहब। खुद को साबित नहीं करना, सिर्फ वो काम करना है जो हमने तुम्हारे जिम्मे लगाया है। काम हो जाएगा सरदार साहब। फरमान को इसका पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही होगा सरदार साहब। चिश्ती से पैसे ले लेना, अब तुम जा सकते हो। ठहरो। देखो, वो लड़की नादान है और मेरा बेटा नातजर्बाकार। फरमान को ऐसा ही लगना चाहिए जैसे तुम उसके खास आदमी हो। उसको कभी इनकार नहीं करना, लेकिन हर काम चिश्ती से पूछ कर करना। चिश्ती से मैंने आज तक शौकत को भी नहीं मिलवाया। वो मेरा खास आदमी है। ठीक है सरदार साहब। हरीम के जाने के बाद घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। वो तो लग ही रहा है, मगर आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूं, उदास हूं। उदास क्यों है? हरीम की वजह से। हरीम आपी की रुखसती के बाद तो आप बहुत खुश थी। जब से आप सरदार खान से मिलकर आई है तब से परेशान है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे लाइल्म रखेंगी तो मैं इस घर को कैसे संभालूंगा? सरदार खान अपने बेटे की शादी कभी भी हिना से नहीं होने देंगे। आप चाहती हैं कि सरदार की बेटे की आप ही से शादी हो? मैं तो शौकत से भी नहीं चाहती थी कि हिना की शादी हो, लेकिन फिर भी उसने कर ली ना। कि सरदार तो शौकत जैसे लोगों से भी ज्यादा जालिम होते हैं। मेरा तो ये मशवरा है कि हिना आप ही को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते ना। मेरा तो ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि अगर सरदार के बेटे ने उसे घर से निकाल दिया तो वो किधर जाएगी। सरदार साहब, वो आपके पास क्या है? वो तुम दोनों के बारे में बात करने आई थी। I'm
दोनों के बारे में कैसी बात? असल में खातून चाहती है कि हम तुम्हें उस बंगले से निकाल दें। क्यों ना मैं तुम सबको अपने बाप के घर से निकाल दूं? वकील साहब, मैं डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर चुकी हूँ, किसी को भेज के पिक करवा लीजिए। एक तो ये मांगने वाले भी बेल बजा के सीना ठोक के मांगते हैं। अगर खातून ने मना ना किया होता तो तमाम मांगने वालों की तबीयत साफ कर देता। आप ही आप यहां? आप ही याद है तुम्हें? इतनी बार तुम्हें कॉल्स किए, मैं मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? अच्छा चलें अंदर जाके बात करते हैं। बैठे हैं आप ही, क्या पियेंगे आप? फिलहाल तो तुम सबका खून पीने का दिल कर रहा है। कहाँ है वो दोनों? हरीम अभी तो अपने ससुराल में और खातून वर्कशॉप गई है। मुझे बगैर बता हरीम की शादी भी करवा दी। आपने शौकत से शादी से पूछ के की थी? बहुत बोलने लग गए हो। तुम्हें पता जिस घर में तुम बैठे हो उस घर में से मेरा भी हिस्सा है। मुझे ये बात भी पता है और मैं आपको आपका हिस्सा भी दूंगा। तुम खातून के मियां मिट्ठू बन गए हो, उसी की बोली बोलते। खातून ने सिर्फ मुझे शऊर दिया है, बाकी बोली तो मैं अपनी ही बोलता हूँ। इस घर से तो मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। हमने आपको कारोबार में से हिस्सा दिया था और घर में से भी दे देंगे। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही है। मैं तुम सबको इस घर से बेदखल करके रहूं। आप करने क्या जा रही हैं? अदालत से रुजू। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खातून कैसी हैं? खातून आजकल बहुत मसरूफ रहने लगी है। किधर मसरूफ है? वो एक गाड़ी का इंजन खराब हो गया था, वर्कशॉप के चक्कर ही नहीं खत्म होते उनके। आप बताएं, पैकिंग कर ली आपने? पैकिंग और शिफ्टिंग दोनों ही मुश्किल काम है, दो दिनों से लगी हूँ, अब जाके पैकिंग मुकम्मल हुई है। आप हारिस भाई के घर का सारा सामान लेकर आ रही है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ सामान हुमेरा आप ही को दे दिया है और जो बेकार और पुरानी चीजें थी वो बेच दी। उसके बावजूद भी इतना सामान है कि पिकअप तो करवानी पड़ेगी। मैं हेल्प के लिए आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, हारिस ने बात की है पिकअप वाले से, वो कूली भी साथ लेकर ही आएगा। हारिस भाई कहाँ है? वो काफी दिन से स्टोर का चक्कर नहीं लगाया तो स्टोर गए। आपके बगैर ये एक हफ्ता बड़ी उदासी में गुजरा है। आप ही क्या करते रहे हो मेरे बगैर तुम दोनों? खातून का तो बता चुका हूँ और मेरे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगा हुआ था मैं। ये सब तो रूटीन की बात है। एक खास बात भी है। वो क्या? चंद रोज पहले हिना आप ही आई थी। खातून क्या लिखा है इस नोटिस में? लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन खुलासा यह है कि ये घर बेचकर हिना का हिस्सा दे दिया जाए, वरना तो वो हम पर केस कर देगी। हिना भी उस दिन कह तो रही थी कि वो अदालत से रिजू करेंगी।
हिना यहाँ आई थी और तुमने मुझे बताया ही नहीं। खातून, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे और खुद परेशान हो। बात ही ऐसी है। तुम्हें क्या लगता है इस मसले का क्या हल है? हल तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये मसला खुद हल करना चाहता हूँ। अच्छा, तो कैसे हल करोगे ये मसला? हिना आप ही से बात करके। हिना तुम्हारी बात मान जाएगी? कोशिश करने में क्या हर्ज है खातून। ठीक, मैं करो कोशिश। क्या सोच? बाबा ने कहा था जमीनों पर चक्कर लगा लो। तो उसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आपको जमीनों पर जाना चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम साथ चलो? मैं साथ चलूं? हाँ। तुमने भी सोचना शुरू कर दिया? सरदार साहब, मुझे यहाँ एक दो जरूरी काम है। कैसे काम? एक काम तो मैं खुद कर लूंगी, दूसरा आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, काम बताओ। काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम काम ना ही करवाओ। मुझे उसे मजा चखाते। उसे मजा चखाते चखाते तुम्हें भी बदहजमी हो सकती है। तुमने कभी शौकत का जिक्र नहीं किया? शौकत? शौकत का जिक्र आपके सामने हो भी नहीं सकता। वो क्यों? वो मेरे काबिल ही नहीं था। आप तो फिर आप हैं। अगर वो तुम्हारे काबिल नहीं था तो तुमने उससे शादी क्यों की? खालदा से बदला लेने के लिए। खातून, हिना को खुद ही दरबदर होने का शौक चढ़ा है। मैं और आप क्या कर सकती हैं? तो क्या हम हिना से लातालुक हो जाए? मैं आपकी शादी की बात कर रही हूँ, हिना बीच में कहाँ से आ गई? हिना हमेशा से इधर है। हमने तो उसे हमेशा से अपने दिल में ही रखा है। एक वो ही है जो हमें इस घर से भी निकालना चाहती है। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता।